तो ये है मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री, इसको मैंने पाया हूँ 2014 में। इस वीडियो को मैंने एक दिन पहले शूट कर दिया था, लेकिन आज जब एडिट करने बैठा था तो मुझे पता लगा कि एक फुटेज जो जिसमें मैं अपनी मार्कशीट्स दिखा रहा था उसमें नंबर्स शो नहीं हो रहे थे, काफ़ी ब्लर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही अपलोड कर दूं, फिर मैंने बोला नहीं यार, आज की ये वीडियो मैंने अपने पूरे यूट्यूब के करियर में कहीं नहीं देखा, तो क्योंकि ये एक स्पेशल वीडियो थी इसलिए मैंने सोचा कि इसको दोबारा शूट करेंगे, चाहे फिर से मेहनत लगे लेकिन इसको दोबारा शूट करेंगे। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी। लेके आता हूँ सामान, लेके आता हूँ। तो मोबाइल को साइड में रखें। ये तीन पैकेट हैं जिसमें मैं अपने डॉक्यूमेंट रखता हूँ। इसमें मैं अपनी फोटो कॉपीज रख लेता हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। एक ये है, एक दो फोटोज हैं, बाकी मेन चीज अपनी इसमें जितनी भी सारी मार्कशीट्स हैं वो मैंने इस फोल्डर में रखा हुआ। ये देखिए सारी मार्कशीट्स मैंने ऐसे ही रखा हुआ हूँ इसमें। ये 12th की है मेरी, इसके बाद 8th की, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, ये मेरी इंजीनियरिंग की मार्कशीट और कुछ फोटोकॉपी हैं बस। ये मेरी फेल वाली है मार्कशीट, जी इंजीनियरिंग में मैं फेल हुआ था। और ये है कुछ, ये बाहर इसलिए है क्योंकि इस वीडियो को मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जितने मैंने नंबर्स दिखाए थे वो नंबर्स दिख नहीं रहे थे, तो उसके लिए ये वीडियो मुझको फिर से शूट करनी पड़ रही है। इस वीडियो को बनाने के बाद कल मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी और आज फिर से एक बार और ताज़ा हो जाएंगी पुरानी यादें। और आप लोग देखिएगा कि मैं कितना पानी में था या हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स अब मेरे हाथ में, एक एक करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। शुरुआत करते हैं मेरी 10th की मार्कशीट से। अच्छा, मैंने 5th भी अपनी बोर्ड दिया हूँ, 8th भी बोर्ड दिया हूँ, 10th भी बोर्ड दिया हूँ, 12th भी बोर्ड दिया हूँ। 5th को जब मैंने बोर्ड दिया उसके नेक्स्ट ईयर से 5th बोर्ड ख़त्म कर दी गई एमपी बोर्ड की तरफ से, मैंने सारी पढ़ाई एमपी बोर्ड से किया हूँ। 8th जब मैंने पास किया तो अगले साल से उसको भी कट कर दिया गया, मतलब बोर्ड होम बोर्ड होने लगा। और 10th जब मैंने दिया तो 10th में, जैसे ही मैं 10th में आया सिलेबस चेंज हुआ था, जैसे ही मैं 12th में आया अगेन सिलेबस चेंज हुआ था, जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो भी कुछ चेंज हुआ था। और इंजीनियरिंग में ये चेंज हुआ था कि उस समय वो लोग ग्रेडिंग सिस्टम कर दिए थे, और हम लोग जब एडमिशन लिए तो काफ़ी डर रहे थे कि ग्रेडिंग सिस्टम कर दिए। पहले नंबर शो होते थे लेकिन हम लोग में ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया। तो जब जब भी मैं जिस जिस क्लास में गया हूँ उस समय सिलेबस चेंज हुआ है और उसका नतीजा आज मेरी मार्कशीट में आप देखेंगे। शुरुआत करता हूँ सबसे पहले 5th से। ये है मेरी 5th की मार्कशीट, 2002-2003 में मैंने दिया हूँ। फिर कितने परसेंटेज मिले हैं, 60.33। ध्यान दीजिएगा अब से मेरे परसेंटेज पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हिंदी में मैंने 100 मार्क्स का पेपर दिया हूँ, 56 मिले हैं यार, कितने कम मार्क्स हैं। मैथ्स में देखिए 100 में से 65 मिले हैं। पर्यावरण जिसको साइंस बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, 60। तो इन सब का टोटल करने पे 300 में से 181 मुझको मिले और परसेंटेज 60.33। 5th में 60.33 मिले मुझको। अभी इसको साइड में रखा जाए, अब दिखाता हूँ मैं आपको 8th। ये सारी मार्कशीट्स मैंने अच्छे से संभाल के रखा हुआ हूँ। 9th की भी रखा था, 6th की भी रखा था, 7, 8, लेकिन जब मैंने घर शिफ्ट किया तो यहाँ वहाँ हो गया, मुझको लगता है मैंने उसको बेच दिया हूँ कबाड़ी। आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ थोड़ा अफसोस हो रहा है कि वो भी होता तो आपको दिखाता। 6th से लेकर 12th तक जितने भी एग्ज़ाम मैं देता था, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या प्री बोर्ड भी, उस सब में फेल होता था। और सब्जेक्ट था एक ही, कॉमन सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सामाजिक विज्ञान ही था हिंदी में नाम, नहीं तो इंग्लिश में मुझको पता था SST बोलते थे उसको। उसमें मैं हमेशा फेल होता था, मतलब मुझको महारद्दी सब्जेक्ट लगता था वो वाला। फाइनल छोड़ के बाकी के एग्जामों में फेल हो जाता था तो मुझको नाम दिया गया था छुपा रुस्तम। ये है मेरी 8th की मार्कशीट, इसको मैंने दिया हूँ 2006 में। देखिए हिंदी में 100 में से मैंने लाया हूँ 73, और ये इंग्लिश में लाया हूँ 100 में से 71। इंग्लिश मैंने इसमें 100 मार्क्स का दिया हूँ, मुझको याद नहीं है। ये हिंदी विशिष्ट है और ये अंग्रेजी सामान्य है, 100 में से 71। इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने में मुझको मजा आता था। संस्कृत भी मैंने 100 में से 65 लाया हूँ और मैथ्स में लाया हूँ डिक्टेंशन, अरे वाह, 100 में से 82। साइंस में देखिए, साइंस में मैं शुरू से ही थोड़ा कमजोर रहा हूँ, 100 में से 69 मिले हैं। और सामाजिक विज्ञान में भी 100 में से 69 मिले हैं।
टोटल 600 में से मुझको मिले हैं 429। परसेंटेज की बात करें तो 71.5, और ये 8 से मुझको सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिले हैं किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में। नहीं तो 9 में मिले हैं मुझको 83-82 मिले थे, लेकिन उसकी मार्कशीट तो अभी है नहीं, उसको भी रखा होता तो आज दिखाता आपको, मज़ा आता। 10th की बात अब करते हैं। 10th मैंने दिया 2008 में, और हिंदी में देखिए 100 में से 70 लाया हूँ, इंग्लिश में लाया हूँ 50 में से 33, संस्कृत में 50 में से 40, सोशल साइंस इसी सब्जेक्ट में फेल होता था। 6वीं से लेके 12वीं तक मैं इसमें हमेशा फेल हुआ हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, प्री बोर्ड। और इसके लिए मुझको घर से कभी डांट नहीं पड़ी, ये भी मुझको अच्छा लगता था कि घर वाले मुझको कभी पढ़ने के लिए प्रेशराइज नहीं करते थे। 12th में मुझको पापा एक लाफा मारे थे फटाक से, पहली बार मैं मैथ्स में फेल हुआ था। पापा बोले थे कि कोचिंग जाने के बाद भी तू मैथ्स में फेल हो रहा है, मतलब फाइनल में नहीं, शायद प्री बोर्ड में फेल हुआ था मैं। उसके अलावा मुझको कभी मार नहीं पड़ी, उसके अलावा मुझको कभी डांट नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे घर वाले भी जानते थे थोड़ा मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, तो वो लोग कभी मुझको बोले नहीं, ये चीज़ मुझको अच्छा लगता था। कभी मैं एग्ज़ाम दे के भी आऊँ तो कभी मुझको पूछा नहीं जाता था कि कैसा एग्ज़ाम गया कैसा नहीं गया, नहीं तो कई लोगों के मम्मी पापा एकदम चढ़ जाते हैं, कैसा एग्ज़ाम गया, क्या क्या किया, कितना छोड़ा, वो सब मेरे यहाँ कभी नहीं था शुरू से। अब इसमें दोनों तरह की बातें हो सकती हैं, मतलब पेरेंट्स को पूछना भी चाहिए वो भी ठीक है, और पेरेंट्स को नहीं भी पूछना चाहिए वो भी ठीक है, क्योंकि थोड़ा बच्चा उसमें प्रेशराइज हो जाता है। किसका फ़ोन आ गया भाई इतनी रात को, कहाँ है मोबाइल, हो दूध के लिए फ़ोन आया था। तो 10th में मिले हैं मुझको 500 में से 331, जिसका अगर परसेंटेज निकलेगा तो 66.2 के आसपास आता है। 12th की बात करते हैं। हिंदी में मिले हैं 100 में से 63, इंग्लिश में 100 में से 58, फिजिक्स, और 10th के बाद मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स, मतलब एकदम अच्छा नहीं पढ़ता था लेकिन फिजिक्स पढ़ने में मुझको मज़ा आता था। 10th के बाद मैंने मैथ साइंस लिया था, उस समय मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था कि मैथ साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, या मेरे स्कूल में आर्ट्स तो नहीं था तो लेना चाहें तो कहीं और से भी ले सकता हूँ। ऐसे में मेरे घर वालों ने बोले कि तू मैथ साइंस लेकर पढ़ लेगा, तो मैंने बोला देखो अगर पढ़ाओगे तो मैं कुछ भी पढ़ लूँगा, एरोनॉटिक्स की पढ़ाई भी पढ़ लूँगा, लेकिन अभी मुझको नहीं पता है क्या करना है। तो मेरे घर वालों ने बोले कि मैथ साइंस ले ले, मैंने बोला ठीक है। घर वाले बोले फेल तो नहीं होगा ना, मतलब नहीं नहीं जो पढ़ूंगा बिल्कुल अच्छे से पढ़ूंगा, तो मैंने अच्छे से उसको पढ़ाई निकाल लिया, तो मैथ साइंस ले लिया था। केमिस्ट्री में 100 में से 60 और मैथमेटिक्स में 100 में से 88। तो ये कहानी थी मेरी पूरी। अब आती है बात इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में मेरी हालत खस्ता हो गई थी जब मैंने एडमिशन लिया शुरू में। केमिस्ट्री मेरी इतनी हालत ख़राब कर दी थी कि 4th अटेम्प्ट में मेरी केमिस्ट्री निकली, मच्छर उड़ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में दिया फेल, सेकेंड सेमेस्टर में फिर से उसको एग्ज़ाम दिया फिर से फेल, थर्ड सेमेस्टर में फिर से दिया अगेन फेल, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में मैंने उसको निकाला हूँ। अगर फोर्थ सेमेस्टर में नहीं निकलती केमिस्ट्री तो मेरा एक ईयर बैक हो जाता। 75 में से या तो 70 नंबर का शायद पेपर होता था, 70 में से 22 नंबर लाना मुश्किल हो गया था। सोच नहीं पाता था, मैं खुद नहीं सोच पाता था कि 22 नंबर कैसे नहीं आ रहे हैं, अजीब स्थिति हो गई थी। तो ये है मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री, इसको मैंने पाया हूँ 2014 में। मैं मार्क्स दिखाता हूँ आपको, ये है मेरी 8th सेमेस्टर की मार्कशीट, और ये देखिए ग्रेडिंग सिस्टम था उस समय, CCC, CBC, AB+B, ये नीचे प्रैक्टिकल वाले, हाँ यहाँ से प्रैक्टिकल आ जाता। देखिए प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पे मुझको पढ़ाई में मैं उतना अच्छा नहीं था तो CC मिला है मुझको। अभी देखिए CGPA 6.71, ये है फाइनल परसेंटेज जो मुझको मिले हैं इंजीनियरिंग में, 67%। इन दोनों सेमेस्टर में समझ में आ गया था कि कैसे लिखना है, क्योंकि 12th मैंने पास किया हिंदी मीडियम से, इंजीनियरिंग में आया तो टोटल इंग्लिश में हो गया था, तो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा था, तो थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम हुई लेकिन लास्ट में मैं समझ गया था, तो ऐसे में मुझको हेल्प मिली और लास्ट में मैंने थोड़ा परसेंटेज खींचा हूँ, तब जाके यहाँ पे 67 आया है, नहीं तो आज इतना भी नहीं आया होता। तो ये थी कहानी। अगर आप शुरू से ही देखेंगे 5th में 60%, 8th में थोड़ा ज़्यादा आ गया है 71, उतना ज़्यादा नहीं मतलब इसके हिसाब से ज़्यादा, उसके बाद 10th में आप 66 पाएंगे, 12th में 68 आए हैं, इंजीनियरिंग में 67, मतलब 60 की लाइन में मैंने पूरी ज़िंदगी बिता दिया। अगर आप मुझको देखेंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि इसकी डिग्री में धांधली हुई है, क्योंकि शुरू से ही 60 में मैं घूमता रहा हूँ। मैं अपने ही कई दोस्तों को देखता हूँ जो 10th में 90% लाते हैं, 5th में उन लोग के थे 60, उसके बाद 12th में देख लो तो 40 आ जाते हैं कई बार,
ऐसी पढ़ाई पता नहीं कैसी करते हैं, लेकिन मेरा तो हर चीज़ ही बराबर था शुरू से लेके अंत तक। दूध आ गया है। ये सर्टिफिकेट है जब मैं जस्ट डायल में जॉब करता था, 2 महीने ही मैं जॉब किया हूँ वहाँ पे, शायद 2 या 3 महीने, तो ये सर्टिफिकेट मुझको मिला था। मुझको वो जॉब पसंद नहीं आई थी तो मैंने छोड़ दिया था सिर्फ 2 महीने ही करके। उसके बाद ये है एक प्रमाण पत्र, जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता, 8 किलोमीटर में दौड़ा था इसमें। अगर आप लोग मुझको शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं दौड़ने में माहिर हूँ और मुझको पसंद है दौड़ना। मैं 20-20 किलोमीटर तो ऐसे हंस के दौड़ जाता था यार, पहले मैं बहुत दौड़ता था क्योंकि आर्मी में जाना मेरा सपना था जो कि पूरा नहीं हो पाया, अलग कहानी है उसकी। तो 8 किलोमीटर दौड़ा था, उसमें कोई रैंक नहीं लगा था, सिर्फ दौड़ कंप्लीट करने का ये मुझको मिला था सांत्वना प्रमाण पत्र। और भी बहुत चीज़ थी यार स्कूल में, जब मैं 5th में था, मतलब 2nd से लेके 5th तक दूसरे स्कूल में था, फिर 6th से 12th तक दूसरे स्कूल में आया, तो जो मैंने 2nd से 5th तक पढ़ाई किया उस स्कूल में, वहाँ पे होती थी बोरा दौड़, और उस बोरा दौड़ में मैं हमेशा भाग लेता था। उसमें होता क्या था, कमर तक बोरा ऐसे डाल लेते थे पैर में और ऐसे पकड़ के कूद कूद के जाते थे 100 मीटर, और उसमें मेरा हमेशा रैंक लगा है, कभी 1st कभी 2nd कभी 3rd। अब वो सारी चीज़ें मच्छर, जैसे ही हम लोग नए घर में शिफ्ट किए हैं तो उसको सबको बेच दिए क्योंकि वो काम नहीं आता था, तो रखने का कोई मतलब नहीं था। ये है 12th में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था पहली बार स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई थी और फर्स्ट टाइम ही मैंने उसमें भाग लिया था, तो शायद हम लोग उसमें सेमीफाइनल से हार गए थे या पता नहीं, मुझको याद नहीं है, तो ये उसमें मिला था मुझको, शायद फाइनल हार के आए थे, हाँ शायद, ये देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है, तो ये उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट किया था तो मिला था उसमें। तो कुछ ऐसी कहानी थी मेरे स्कूल से लेके कॉलेज तक की। दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा पी लें। इस वीडियो को शूट करते करते आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गए और जो मेरा टॉप डाउन वाला कैमरा था वो स्विच ऑफ हो गया, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, सही टाइम पे बंद हुआ यार, मैंने सारी बात कर लिया था। सोएंगे अब, बाहर चलते हैं बिस्तर लगाते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, वीडियो का एंड कर देते हैं, उसके बाद मच्छरदानी लगा लेंगे और सो जाएंगे। आज की ये वीडियो बना के मुझको मज़ा आ गया। एक बात जो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि मेरी स्कूल की लाइफ ही सही थी, मुझको स्कूल में ही सही लगा, कॉलेज में मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मेरा यही मानना है कि देखो स्कूल में ही हम सबके करीब रहते हैं, टीचर्स भी हम लोग को जानते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स भी अच्छे रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को पर्सनली जान पाते हैं, लेकिन कॉलेज में हम लोग को कोई नहीं पहचान पाता। इस बात में हो सकता है आप लोग मुझको गलत भी बोलें या फिर हो सकता है किसी को मैं सही भी लगूं, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने स्कूल टाइम में मैक्सिमम टीचर्स के बहुत करीब था और यही एक कारण था कि मुझको स्कूल छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था 12th के बाद भी, और जब मैं कॉलेज में गया तो मुझको बिल्कुल वैसा ही लगा, क्योंकि कोई भी आपको पास से नहीं पहचानता है, कोई आपको जानते ही नहीं है कॉलेज में, सिर्फ सबको पैसे से मतलब है, चाहे वो कोई स्टूडेंट भी हो। स्कूल में ऐसा नहीं होता यार, लेकिन कॉलेज में मुझको तो ऐसा लगा कि सब पैसे ही उड़ाने आते हैं, सब महंगी महंगी गाड़ी लेके आएंगे, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन लेके आएंगे, डेली नए नए कपड़े पहन के आएंगे। स्कूल में तो बढ़िया एक ड्रेस रहती है और हम सारे लोग एक ही टिफ़िन में बैठ के खाना खाते हैं, टीचर्स भी हम लोग को बहुत करीब से जानते हैं, पेरेंट्स को वो लोग बराबर बुलाते रहते हैं, तो हर चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता। मैं कॉलेज में 4 साल इंजीनियरिंग किया हूँ और 4 साल कॉलेज गया हूँ, कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं कॉलेज नहीं गया, मैं रेगुलर कॉलेज गया हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ एक दिन भी मैं कभी दिल से कॉलेज नहीं गया, और इस बात को मैं अभी कैमरे में बोल रहा हूँ बिल्कुल सच है, इस बात को मेरी मम्मी भी एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था कभी कॉलेज जाने का। टीचर्स वैसे थे यार, और मैं शुरू से ही उतने मेरे फ्रेंड्स नहीं थे और आज की डेट में भी मेरे उतने फ्रेंड्स नहीं हैं। अगर मैं आज आपको देखिए ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आज की डेट में अगर मैं आपको अपने फ्रेंड्स गिनाऊंगा ना तो मुश्किल से 3 नाम लूँगा, 3 भी नहीं यार, 1 या 2 ही नाम लूँगा जो मेरे फ्रेंड्स हैं, नहीं तो आज तक मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि मुझको स्कूल की ही लाइफ पसंद आई, क्योंकि स्कूल में टीचर्स भी हमको पर्सनली करीब से जानते हैं और स्कूल में फ्रेंड्स भी अच्छे मिलते हैं, कॉलेज में वो सब नहीं होता। मुझको पता है ये वीडियो देख के आपको बहुत मज़ा आया होगा, प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, मिलो, गुड नाइट, गुड नाइट। रख दो, रख दो, तक पीने में इतना ज़्यादा।